नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 29 के चौड़ीकरण करने के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा किसानों के अधिग्रहित की गई जमीनों का एक समान मुआवजा नहीं मिलने पर कृषि भूमि बचाओ मोर्चा व युवा शक्ति संघ का एक पदयात्रा निकालकर सरकार से एक समान मुआवजा देने व मैप में सुधार करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सरकार ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों का ये पदयात्रा सैदपुर के नैसारे पेट्रोल पंप से शुरू होकर क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर किसानों को जगाने का काम किया। किसानों का कहना है कि जब जमीनें एक समान अधिग्रहित की गई है तो मुआवजा भी एक समान होनी चाहिए। लोगों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण में एलओपी में गड़बड़ी करके किसानों के भूमि का अधिग्रहण कम दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों के जमीन का रकबा गजट में कम दिखाया जा रहा है, जबकि भूमि का अधिग्रहण ज्यादा किया जा रहा है। वहीं अवड़ियार खुर्द गांव के किसानों की भूमि को गोमती मुहाना बताकर सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जबकि वहां के किसान स्वतंत्र हैं और अपनी भूमि का राजस्व भी अदा करते हैं। ऐसे ही कई गांवों को लेकर किसानों का पदयात्रा जो शुरू हुआ है, अगर सरकार या जिला प्रशासन नहीं चेतती है तो ये लोग बड़े आंदोलन का भी अल्टीमेटम दे रहे हैं। किसानों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। ये जो 4 लेन बन रहा है NH-29 पे, इसमें किसानों को मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कहीं किसानों को 1,80,000 मुआवजा दिया जा रहा है, कहीं 1.5 लाख दिया जा रहा है, कहीं 15 लाख, कहीं 18 लाख, कहीं 22 लाख। इसमें अनियमितता है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। और ये कृषि भूमि है, सबको एक बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम लोग की मांग है एक भूमि एक मुआवजा। युवा शक्ति संघ भी इस अभियान में जुड़ा है कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के साथ, तो कब तक और कितना समर्थन है आपके संघ का इसमें? इसमें हमारे संगठन में सभी लोग किसान हैं, सभी किसान के बेटे हैं, हम लोग किसानी करते हैं, हम लोग किसान हैं, और इसलिए हम लोग किसानों के साथ पूरा लगातार लगे रहेंगे। जब तक किसानों को न्याय न मिल जाए, जब तक एक भूमि और एक मुआवजा न मिल जाए, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। इसके लिए चाहे जो करना होगा, पूरे किसान भाइयों के साथ हम लोग जोर शोर से रहेंगे और पूरे किसान भाई लोग किसानों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और 1 जून से 10 जून तक गांव बंद, दुकान बंद, किसान बंद, सब हम लोग का ये अभियान चल रहा है। और पैदल पैदल हम लोग गाँव गाँव में जा करके जितना भी ये मुआवजा और पैसे के लोग ले करके अनियमितता हुई है, उसके लिए हम लोग जी जान से एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और अभी कल मुख्यालय पर हम लोग जाएंगे, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी रहेंगी, जो कि आज महिला बहनों को हमने नहीं परेशान किया कि इतने धूप में और इतनी दूर तक चलना सबके लिए संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं, ये कहिए कि एक समूह जो है किसानों का, ये चला है अवड़ियार से ही पदयात्रा शुरू हुई है। और आज जो है, आज का कार्यक्रम शुरू हुआ पदयात्रा का, तो नैसारा ग्राम से शुरू हुआ। और इस जमीन के मूल्य जो लगाए हैं सरकार, वो जहाँ जहाँ जिस प्रकार के लोगों को देखे हैं, उसके हिसाब से लेखपाल कानगो, ADM माने जिला प्रशासन के दलाल भी काफ़ी मात्रा में घूमे। यहाँ के लोग जमीन नहीं बेचे, इसलिए यहाँ का मूल्यांकन कम किया गया। जहाँ जहाँ आप पता लगा लीजिएगा, जहाँ जहाँ जमीन बिक्री कर ली गई है, जबकि ये कानून के खिलाफ है कि जब अधिग्रहण हो गया है इसके बाद भी जमीन बैनामा हुई और बैनामे का मुआवजा पहले ही दे दिया गया। और जहां उनके दलाल जमीन नहीं खरीद सके, वहां के मुआवजा को कम लगाया गया। इसलिए जिला प्रशासन के यहाँ हम लोग कई बार वार्ता किए, कई बार जाकर के उनसे मिले, कई बार मंत्रियों से बात किए, लेकिन किसानों के विषय में किसी प्रकार से कोई नेता या कोई जिला प्रशासन का अधिकारी उसको अनसुनी करके और औने पौने दाम लगा करके जबरिया फाइल जमा कराने का काम कर। किसानों की पदयात्रा और अवड़ियार खुर्द गांव के किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अवड़ियार खुर्द का समस्या अन्य गांव से बिल्कुल भिन्न तरीके का है। अवड़ियार खुर्द में किसानों का कहना है, वर्तमान में जो गोमती मुहाना के रूप में जो गाटा दर्ज है, वो वास्तव में वो किसानों का है, वो गोमती मुहाना मार्ग नहीं है। इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी मुकदमा विचाराधीन है, उसके क्रम में हम लोग भी हमारा तैयारी। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।